अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ायज़ा तबस्सुम और सभी शिराज़ी शुमारियात के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम शुमारियात इस्तंबात या स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में है। इस प्रोग्राम में हम आपसे इसी हवाले से बात करेंगे और इसकी मुख्तलिफ शाखों के बारे में बताएंगे। ये शुमारियात का नहायत अहम शोबा है जो कि जदीद तहकीक और फैसला साजी में कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। ये इस्तंबात क्या है और इससे क्या मुराद है, ये समझने के लिए हम आपको एक बहुत मशहूर और पुराना किस्सा सुनाते हैं। किस्सा कुछ यूं है कि एक मालिक अपने मुलाजिम से ये पूछता है कि क्या इस वक्त बाहर बारिश हो रही है। मुलाजिम वहीं बैठे बैठे जवाब दे देता है, जी हाँ बाहर बारिश हो रही है। मालिक ने उससे पूछा कि ये तुमने क्यों कर कह दिया। नौकर ने कहा कि जनाब अभी अभी एक बिल्ली भीगी हुई कमरे में दाखिल हुई जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि बाहर बारिश हो रही है। आपने देखा कि मुलाजिम ने एक बयान दिया कि एक भीगती हुई बिल्ली कमरे में दाखिल हुई और उससे नतीजा निकाला कि बाहर बारिश हो रही है। ये असल में इस्तंबात है, यानी मुख्तलिफ बयानात से दलाल के जरिए नतीजा निकालने को इस्तंबात कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि शुमारियाती इस्तंबात यानी स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस से क्या मुराद है। इससे पहले कि ये देखें कि ये क्या है, हम आपको इसके बारे में चंद बुनियादी तसव्वुरात के बारे में बताना ज़रूरी समझते हैं। सैंपल और पॉपुलेशन से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और एक और लफ्ज़ जो आपने अपनी किताब में पढ़ रखा होगा वो है जज़ाफ़ी मुतग़य्यर यानी रैंडम वेरिएबल। ये जज़ाफ़ी मुतग़य्यर क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप इस सेमेस्टर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले तलबा ही को लीजिए, तालिब इल्म का नाम, उसकी उम्र, उसकी जाय सकूनत और वो प्रोग्राम जिसमें उसने दाखला लिया वगैरह वगैरह, ये सब जज़ाफ़ी मुतग़य्यर हैं। यानी जज़ाफ़ी मुतग़य्यर जमीयत के हर फर्द में पाए जाने वाली किसी खासियत को कहते हैं। हर रेंडम वेरिएबल का एक एहतसाम होता है और यही जमीयत का एहतसाम होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बल्बों की एक पॉपुलेशन है, अगर एक बल्ब को इतनी देर तक जलाया जाए कि वो जलकर फ्यूज़ हो जाए तो इस मुद्दत जिसके दौरान बल्ब जलता रहा उसको हम इस बल्ब का अरसा हयात कहेंगे। जाहिर है कि ये अरसा हयात हर बल्ब के लिए मुख्तलिफ होगा। ये एक जज़ाफ़ी मुतग़य्यर है जिसे हम एक्स से जाहिर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स का एहतसाम नॉर्मल है जिसके पैरामीटर्स 1200 घंटे और 400 घंटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जमीयत जिसके पैरामीटर्स 1200 घंटे और 400 घंटे हैं नॉर्मल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जमीयत के नॉर्मल होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमने अभी जो आपको बल्बों की मिसाल दी ये दरअसल आलम हकीकी यानी रियल वर्ल्ड है। जमीयत का नॉर्मल होना आलम हकीकी की एक तस्वीर है जिसे एहतमाली मॉडल या मॉडल भी कहते हैं। शुमारियात में मॉडल की क्या अहमियत है ये समझने के लिए आइए हम आपको एक मिसाल देते हैं। हमारे पास एक ग्लोब है, इसको देखकर एक अनपढ़ शख्स महज एक धात का गोला जिस पर मुख्तलिफ किस्म के रंग किए हुए हैं और आड़ी तिरछी लकीरें खिंची हुई हैं समझेगा, लेकिन आप इसको देखते ही इसकी मुनासिबत फौरन ज़मीन से कायम कर लेते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पानी है, यहाँ खुश्की है, कौन सा बरआज़म कहाँ पे है, इस वक्त कहाँ सर्दी है और कहाँ पे गर्मी। गोया ग्लोब ज़मीन का मॉडल है, इससे हमें ज़मीन के बारे में मुफीद मालूमात मिलती हैं। इसी तरह जमीयत का नॉर्मल होना जमीयत का एक मॉडल है जिससे हमें उसके बारे में मुफीद मालूमात फराहम होती हैं। नाज़रीन, ये तो थी मॉडल की अहमियत। आइए देखते हैं कि नमूना मवाद या सैंपल डेटा से क्या मुराद है। ये समझने के लिए हम एक तजर्बा करके देखते हैं। हमारे पास इस वक्त 5 बल्बों का एक जज़ाफ़ी नमूना मौजूद है। वाई से हमने बल्ब की कैफियत को जाहिर किया है, जैसे
Y1 ये जाहिर करता है कि बल्ब ठीक है या नहीं, इसी तरह Y2, Y3, Y4 और Y5 की तारीफ कर सकते हैं। यहाँ हर Y का इक्तसाम बर्नौली है। आइए इन बल्बों को टेस्ट करके देखते हैं। एक और बात आप अपने जहन में रखें कि अगर तो बल्ब ठीक हुआ तो उसकी कीमत 0 होगी और अगर ठीक नहीं हुआ तो उसकी कीमत 1 होगी। आइए टेस्ट करके देखते हैं। बल्ब नंबर 1 को हमने टेस्ट करके देखा, ये ठीक है, यानी इसकी कीमत 0 हुई। अब हमने बल्ब नंबर 2 को टेस्ट करके देखना है, ये ठीक नहीं है, इसकी कीमत 1 हो गई। इसी तरह हमने बल्ब नंबर 3, 4 और 5 को टेस्ट करके देखा और हमारे पास कुछ इस किस्म की कीमतें आईं। बल्ब नंबर 1 की 0, बल्ब नंबर 2 की 1, बल्ब नंबर 3 की 0, बल्ब नंबर 4 की 0 और बल्ब नंबर 5 की 1। और इन ही हासिल करदा कीमतों को या मुशाहदात को नमूना मवाद या सैंपल डेटा कहते हैं। तो आप नमूना मवाद की तारीफ इस तरह कर सकते हैं, जजाफी नमूने के अज्जा पर हासिल शुदा मुशाहदात को नमूना मवाद या सैंपल डेटा कहा जाता है। नाज़रीन, अब हम आते हैं इस प्रोग्राम के असल टॉपिक यानी शुमारियाती इस्तंबात या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की तरफ। नमूने से जमीयत के बारे में नताइज अखज करने को शुमारियाती इस्तंबात कहते हैं। शुमारियाती इस्तंबात के 2 अहम शोबे हैं, आइए उनकी वजाहत करते हैं। एक अहम शोबा है एस्टिमेशन या तखमीनकारी और दूसरा शोबा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस या मफरूजों की जांच। एस्टिमेशन भी आगे से 2 तरह की होती है, इंटरवल एस्टिमेशन या वक्फाए तखमीन और पॉइंट एस्टिमेशन या नुक्ताए तखमीन। मफरूजे भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक को हम नल हाइपोथेसिस या तंसीखी मफरूजा और दूसरे को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या मुतबादिल मफरूजा कहते हैं। आइए बारी बारी इन तसव्वुरात की वजाहत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एस्टिमेशन या तखमीनकारी को और देखते हैं कि इससे क्या मुराद है और इसकी क्या अहमियत है। इसको समझने के लिए उसी मिसाल पर गौर करते हैं जो अभी हमने आपको बल्बों वाली दी थी। इस मिसाल में जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 5 जजाफी नमूनों पर मुश्तमिल बल्ब हैं और इसका इक्तसाम बर्नौली है। हमें इसके इक्तसाम का तो इल्म है लेकिन हमें इसके पैरामीटर का इल्म नहीं है, और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हमें पैरामीटर के बारे में कुछ मालूम ना हो हम नमूने के ज़रिए जमीयत के बारे में मुफीद अंदाजे नहीं लगा सकते। इसी मुश्किल को हल करने के लिए हम तखमीनकारी का सहारा लेते हैं। तो आप कह सकते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में मुफीद अंदाजे लगाने के अमल को एस्टिमेशन या तखमीनकारी कहते हैं। और ये एस्टिमेशन भी 2 तरह की होती है, एक इंटरवल एस्टिमेशन या वक्फाए तखमीन और दूसरे पॉइंट एस्टिमेशन या नुक्ताए तखमीन। आइए देखते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन या नुक्ताए तखमीन से क्या मुराद है। इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में बताएं, 2 और इस्तलाहात के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है, वो हैं एस्टिमेट और एस्टिमेटर। ये क्या हैं, इनका फ़र्क हम एक मिसाल के ज़रिए देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी कॉलेज के साल अव्वल के तालिब इल्मों के औसत कद के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। यहाँ हर तालिब इल्म का कद एक रैंडम वेरिएबल है जिसके पैरामीटर हमें मालूम नहीं है। हमने नमूना हासिल किया और औसत को मालूम किया। औसत यानी एक्स बार एक स्टैटिस्टिक या शुमारिया है जो कि पॉपुलेशन मीन यानी म्यू का एक एस्टिमेटर या तखमीनकार है। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा औसत यानी एक्स बार 66 इंच आता है तो 66 को हम एस्टिमेट यानी तखमीना कहेंगे। इस मिसाल में आपने देखा कि एक्स बार
या किसी और फॉर्मूले को एस्टिमेटर या तखमीन का कहते हैं और उसके मुकाबले में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसे तखमीना या एस्टिमेट कहते हैं। जैसे ऊपर वाली मिसाल में 66 हमारा एस्टिमेट है। पॉपुलेशन पैरामीटर को आम तौर पर थीटा और उसके एस्टिमेटर को थीटा हैट से जाहिर करते हैं, जबकि पैरामीटर की असल कीमत जो कि मालूम नहीं होती उसको थीटा नॉट कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन या नुक्ता तखमीन से क्या मुराद है। नुक्ता तखमीन का बुनियादी मकसद नमूने से कोई ऐसी वाहिद कीमत मालूम करना है जो कि पैरामीटर की नामालूम कीमत को जाहिर कर सके। यानी अगर आप थीटा हैट को थीटा नॉट की जगह इस्तेमाल करें तो थीटा हैट थीटा का पॉइंट एस्टिमेशन है। अब हम आपको बताएंगे कि इंटरवल एस्टिमेशन या वक्फाए तखमीन से क्या मुराद है। अभी आपने देखा कि वक्फाए तखमीन में हमें तखमीन कारी के लिए सिर्फ एक शुमारिये की ज़रूरत होती है, जबकि वक्फाए तखमीन में हमें दो ऐसे शुमारिये चाहिए होते हैं जो कि रैंडम वेरिएबल हों और किसी वक्फे के दो सिरे हों। तो उस सूरत में होता यह है कि नामालूम पैरामीटर की असल कीमत तो कभी इस वक्फे के अंदर ही होती है और कभी वो इस वक्फे से बाहर होती है। अगर तो वो इस वक्फे के अंदर हो यानी नामालूम पैरामीटर की असल कीमत इस वक्फे के अंदर ही पाई जाए तो इस वक्फे को कॉन्फिडेंस इंटरवल या वक्फाए एतमाद कहते हैं। नाज़रीन, अभी हमने आपको एस्टिमेशन के बारे में बताया, अब हम आते हैं इन्फ्रेंस के दूसरे शोबे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यानी मफरूजों की जांच की तरफ। आप जानते हैं कि शुमारियाती इस्तंबात की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब जमीयत से मुतालिक पैरामीटर्स मालूम ना हों। नामालूम पैरामीटर्स के बारे में आप कोई भी मफरूजा कायम कर सकते हैं, मसलन बिजली के बल्ब के अरसे हयात के बारे में आप ये मफरूजा कायम कर सकते हैं कि म्यू की कीमत है 1250 घंटे। नाज़रीन, मफरूजा कायम करना साइंसी तरीका कार का अव्वली मरहला है, दूसरे मरहले में तजुर्बा करना और आखिर में तजुर्बे से हासिल शुदा मुशाहिदात की बिना पर नतीजा अखज करना कि मफरूजे को कबूल किया जाए या रद्द कर दिया जाए। इन अवामिल को शुमारियात की ज़ुबान में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। मफरूजे भी दो किस्म के होते हैं, नल हाइपोथेसिस यानी तंसीखी मफरूजा, तबादल मफरूजा यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जिस मफरूजे की जांच की जा रही हो उसे तंसीखी मफरूजा या नल हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको H0 से जाहिर किया जाता है। जैसे बल्बों वाली मिसाल में आप बल्ब के अरसे हयात के बारे में ये मफरूजा कायम कर सकते हैं कि म्यू की कीमत है 1250। तो इस तरह हमारा नल हाइपोथेसिस कुछ यूं होगा कि H0 ऐसा है कि म्यू बराबर है 1250। मुतबादल मफरूजा, वो मफरूजा जो नल हाइपोथेसिस के खिलाफ बनाया जाए उसको मुतबादल मफरूजा कहते हैं और उसको H1 से जाहिर किया जाता है। बल्बों की मिसाल में हमारा मुतबादल मफरूजा ये हो सकता है, H1 ऐसा है कि म्यू बराबर नहीं है 1250 के। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस मफरूजे को H1 लिया जाए और किसे H0। तो इसके लिए एक रहनुमा उसूल ये है कि अगर किसी नुक्ता नज़र के बारे में ज़बरदस्त ताईद मौजूद हो तो उसे H1 लिया जाए और उसकी नफ़ी को H0। मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर का ये कहना है कि वो तालिब इल्म जिन्होंने BSc पास किया होता है की तनख्वाह BA पास किए हुए तलबा से ज़्यादा होती है। इस दावे को हम H1 के तौर पर लेंगे और इसकी नफ़ी यानी दोनों की तनख्वाहें बराबर होती हैं को हम H0 से जाहिर करेंगे। अब जब हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को अपना लिया लेकिन ये मालूम करना चाहते हैं कि इनमें से किस मफरूजे को दुरुस्त तस्लीम किया जाए, तो इसके लिए हम एक लाहेअमल मरतब करते हैं जिससे कि हम नल हाइपोथेसिस को जांचते हैं। इसको टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस
کہتے ہیں یعنی تنسیخی مفروضے کی جانچ. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے فیصلہ کریں کہ نل ہائپوتھیسس کو رد کر دیں یا کہ نہیں. آئیے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. فرض کریں کہ ہمارا نل ہائپوتھیسس اس طرح سے ہے کہ فرسٹ ایئر کے طلبہ کی اوسط عمر 17 سال ہے, یعنی ایچ زیرو ایسا ہے کہ میو برابر ہے 17 کے. اور فرض کریں کہ یہ بھی فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ ایچ زیرو کو رد کر دیں گے اگر نمونے کا اوسط یعنی ایکس بار 15 سے کم ہو یا ایکس بار 19 سے زائد ہو. اس تصویر میں وہ علاقہ جو ایکس برابر ہے 15 کے بائیں جانب اور ایکس برابر ہے 19 کے دائیں جانب ہے, اس کو ہم ریجیکشن ریجن کہتے ہیں. اور وہ علاقہ جو ایکس برابر ہے 15 کے اور ایکس برابر ہے 19 کے درمیان میں واقع ہے, اس کو اسیپٹنس ریجن کہتے ہیں. اگر ہمارا شماریہ ریجیکشن ریجن میں گرے تو ہم نل ہائپوتھیسس کو رد کر دیتے ہیں اور اس کا فیصلہ ہم آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس کی روشنی میں کرتے ہیں. ناظرین, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا عمل کتنا سیدھا سادہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں جب آپ کسی ہائپوتھیسس کو قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں تو اس میں غلط فیصلہ کرنے کی پروبیبلٹی بھی موجود ہوتی ہے. اگر تو آپ نے کسی غلط مفروضے کو رد کر دیا اور صحیح مفروضے کو تسلیم کیا تو یہ ایک درست فیصلہ ہے, لیکن اگر آپ نے کسی غلط مفروضے کو صحیح اور صحیح مفروضے کو رد کر دیا تو یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا. اس کو ہم شماریات کی زبان میں ایرر کہتے ہیں. ناظرین, یہ خطائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. نمبر ایک, خطا مثل اول یا ٹائپ ون ایرر, اور نمبر دو, خطا مثل دوم یا ٹائپ ٹو ایرر. آئیے ان دونوں میں فرق دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹائپ ون ایرر سے کیا مراد ہے. خطا مثل اول اس وقت ہوتی ہے جب تنسیخی مفروضے کو مسترد کر دیا جائے لیکن در حقیقت وہ درست ہو, اور اس خطا کے احتمال کو الفا سے ظاہر کیا جاتا ہے. ٹائپ ٹو ایرر سے کیا مراد ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے جب تنسیخی مفروضے کو قبول کر لیا جائے لیکن در حقیقت وہ غلط ہو, اور اس خطا کے احتمال کو بیٹا سے ظاہر کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ایررز کا مفروضوں کی جانچ سے کیا تعلق؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایررز ہمارے نتائج پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. فرض کیجئے کہ ایک دوائی بنانے والی کمپنی یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دوائی متعلقہ بیماری کے لیے مؤثر ہے کہ نہیں. یہ ایک شماریاتی مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ پہلے اس میں مفروضہ بنے گا, پھر اس کی جانچ ہوگی, اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ٹائپ ون ایرر اور ٹائپ ٹو ایرر کس قسم کی ہیں. اس مسئلے کے لیے ہمارے مفروضے کچھ اس قسم کے ہو سکتے ہیں. ہمارا تنسیخی مفروضہ یا ایچ نوڈ ہوگا دوائی متعلقہ بیماری کے لیے غیر مؤثر ہے, اور متبادل مفروضہ یا ایچ ون ہوگا دوائی متعلقہ بیماری کے لیے مؤثر ہے. آئیے ان دونوں خطاؤں کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خطا مثل اول ایچ نوٹ کو مسترد کرنے سے ہوتی ہے جبکہ در حقیقت وہ درست ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوائی متعلقہ بیماری کے لیے غیر مؤثر ہے, لیکن کمپنی نے یہ نتیجہ نکالا کہ دوائی متعلقہ بیماری کے لیے مؤثر ہے, اس لیے اس دوائی کو مارکیٹ میں لانا چاہیے اور اس کی فروخت بند نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کتنا خطرناک ہے. اس کا آپ کو اچھی طرح علم ہو گیا ہوگا کہ وہ دوائی جو غیر مؤثر ہے اس کو مارکیٹ میں لانے سے انسانوں کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں ٹائپ ٹو ایرر کے حوالے سے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایچ نوٹ کو قبول کر لیں جبکہ در حقیقت وہ غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوائی متعلقہ بیماری کے لیے مؤثر ہے, لیکن ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ دوائی متعلقہ بیماری کے لیے مؤثر نہیں ہے, اس لیے اس کی فروخت فوری طور پر بند کر دینی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کمپنی کے خلاف جاتا ہے. ناظرین, اس مثال سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ مفروضوں کی جانچ کتنا اہم اور نازک شعبہ ہے, اور اس میں ہمیں دونوں خطاؤں کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے,
और ऐसा करने के लिए हमें उनके एहतमालात पर तवज्जो देनी पड़ती है। आपकी यकीनन यही कोशिश होगी कि बेयक वक्त अल्फा और बीटा दोनों ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि अगर आप एक के एहतमाल को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है। ये सूरत हाल बिल्कुल उस चादर की मानिंद है कि जिससे अगर हम सर ढांपने की कोशिश करते हैं तो पांव खुल जाते हैं और पांव ढकने की कोशिश करते हैं तो सर खुल जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इनके एहतमालात को कम ना कर सकें। एक तरीका ऐसा भी है कि जिससे हम एक ख़ता के एहतमाल को मुस्तकिल कर देते हैं और दूसरे के एहतमाल को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम करते ये हैं कि ख़ता मिसले अव्वल को किसी दी हुई मिकदार पर मुकर्रर कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने इस मिसाल में भी देखा कि ख़ता मिसले अव्वल या टाइप वन एरर टाइप टू एरर के नस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आमतौर पर अल्फा की मुकर्रर करदा कीमत को मानी खेजी की सतह या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, और आमतौर पर हम इस कीमत को 1%, 5% या 10% लेते हैं, और फिर इसी मुनासबत से हम रीजन ऑफ रिजेक्शन और रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस का फैसला करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अल्फा को अगर हम 5% लें तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि तंसीखी मफरूजे को रद्द करने के, जबकि वो दुरुस्त है, 100 में से 5 चांसेस हैं, यानी हम 95% यकीन से कह सकते हैं कि हमने सही फैसला किया है और गलत फैसला करने का एहतमाल सिर्फ 0.05 है, जो कि बहुत कम है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बताए गए अहम तसव्वुरात को हमने एक चार्ट की शक्ल में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आइए इस चार्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। नीचे से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में हमें मालूमात दरकार होती हैं उसके बारे में मवाद या डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे शुमारियात की ज़ुबान में शुमारी या सेंसस कहते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि इस शुमारी को हम काबिले फहम अंदाज में पेश कर सकें। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है तकाबुल या कंपैरिजन। इसमें हम ये करते हैं कि दो ग्रुप्स ऑफ डेटा को आपस में कंपेयर करके नतज निकालते हैं। जैसे इस सेमेस्टर में दाखिल होने वाले लड़कों की तादाद बामुकाबला इस सेमेस्टर में दाखिल होने वाले लड़कियों की तादाद के। इसका एक और तरीका भी है, वो है तलखीस या समरी। यानी हम अपने हासिल करदा मवाद को मुख्तलिफ फॉर्म्स में पेश कर सकते हैं, जैसे ग्राफ की शक्ल हो गई या टेबुलर फॉर्म हो गई या स्टेटिस्टिकल नंबर्स जैसे औसत और तगैर वगैरह। अब हमारे पास तकाबुल भी हो गया है और तलखीस भी हो गया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि किसी मुनासिब मॉडल का इंतखाब किया जाए ताकि हम इन्फ्रेंस का अमल कर सकें, और ये अमल हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका है कि अगर तो हमने अपने डेटा का तकाबुल किया है तो हम इन्फ्रेंस उसका मफरूजों की जांच से करेंगे, जैसे ये दवाई बेहतर है और वो दवाई बेहतर नहीं है। और अगर तो हमने तलखीस की है अपने डेटे की और हम इन्फ्रेंस पर पहुंचना चाहते हैं तो उसका जो तरीका है वो है तखमीन यानी एस्टिमेशन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में बताए गए तसव्वुरात आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।